सो हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी को पता होगा, दो दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट अपलोड करी थी गाइस। जैसे कि देख सकते हो ये कितना क्रिएटिव एंड फायर फोटो पिक कैसे लग रहे गाइस, कमाल की लुक करना गाइस। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना फोटो कैसी है। और हाँ गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारा आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर फॉलो कर लेना। तो चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस तरह के फोटो पे क्लिक करवानी है और उसके बाद क्रॉप कर लेना। मैंने ऑलरेडी क्रॉप कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हेयर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, मैं उसे जाके पिकसेट में क्रिएट कर लूँगा गाइस। तो चलिए पिकसेट को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, हम पिकसेट में आ चुके हैं और बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। तो हम सिंपल से जाएंगे इफेक्ट में और उसके बाद ब्लर चूज करेंगे गाइस, और उसका इसे 10 पे कर लेंगे गाइस, और यहाँ से डन कर लेंगे गाइस। अब जाएंगे गाइस ऐड फोटो में, अब अपना जो क्रॉप करा था उस फोटो को ऐड कर लेंगे गाइस। फोटो को ऐड कर लिया, अब इसे सेट कर लेते हैं गाइस, और मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, फोटो को सेट कर लिया, अब इसे यहाँ से सिंपली डन कर लेंगे। अब दोबारा ऐड फोटो पे जाएंगे गाइस, दो पीएनजी ऐड कर लेंगे, अभी इस पीएनजी के ऊपर लगाएंगे गाइस, कुछ इतना बड़ा कर लेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे गाइस, हार्डनेस के इतना रख लेंगे गाइस, और साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब इसको हल्का हल्का से यहाँ से कर लेंगे, और नीचे भी। अब सिंपली इसे डन कर लेंगे। अब इसको ओपेसिटी को थोड़ा इतना कर लेंगे, इतना ठीक है गाइस। एडजस्ट में जाएंगे, इस वाले टूल पे आएंगे गाइस, यहीं पे। और इतना कर लेंगे, देख लेना और डन कर लेना। ऑपोजिट में जाएंगे, अब इसको ऑपोजिट थोड़ा कम कर लेंगे, कुछ इतना। अब इसको यहाँ से डन कर लेंगे। अब दोबारा ऐड फोटो में जाना गाइस, अब फायर पेंज को इतना 6 बार ऐड कर लेना गाइस, 6 बार। अब इनको थोड़ा इस साइड कर लेंगे, और इसको सबसे पहले ऊपर लगाएंगे। अब क्रॉप में जाएंगे, इसके साइज को थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। अब डन करेंगे, इसे सिंपली सेट कर लेंगे। इरेज पे जाएंगे, अब इसे यहाँ से सेट कर लेंगे। हार्डनेस को बढ़ाएंगे, साइज को भी बढ़ाएंगे, और हल्का हल्का नीचे से करेंगे। इरेज पे थोड़ा सेट भी कर लेंगे, तभी अच्छा दिखेगा। इस साइड भी कर लेंगे, अब डन कर लेंगे। अब इसकी ऑपोसिटी कुछ इतना कर लेंगे, इतना कर, और थोड़ा 5 बढ़ा देंगे कुछ इतना, और उसके बाद इसे भी सेट कर लेंगे यहाँ पर। अब क्रॉप में जाएंगे, साइज थोड़ा और कम करेंगे। अब यहाँ से इसे डन कर लेंगे, अब इसको थोड़ा इस साइड पर कर लेंगे। अब दोबारा क्रॉप में जाएंगे, इरेज कर लेंगे, अब इसको यहाँ से सेट कर लेंगे इरेज करके। नीचे से कर लेना गाइस अच्छी तरीके से, तभी दिखेगा आपके शर्ट में से निकल रही है आग। यहाँ से इसे डन कर लेंगे, अब इसकी ऑपोसिटी थोड़ा कम करेंगे कुछ इतना। अब एक और पेंज ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ पर होगा। क्रॉप में जाएंगे, साइज को क्रॉप कर लेंगे, डन कर लेंगे।
अब यहाँ इस वाले जगह पे बैठा लेंगे, इरेज पे जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से इरेज कर लेंगे, साइज को बढ़ाएंगे, हार्डनेस को बढ़ाएंगे और हल्का हल्का सा इरेज कर देंगे, डन करेंगे और इसके ओपेसिटी थोड़ा कम करेंगे, बस कुछ इतना। अब और फोटो ऐड कर लेंगे। अब इस वाले हैंड पर लगाएंगे, क्रॉप में जाएंगे, डन कर लेंगे। इरेज पे जाएंगे, हार्डनेस को कम करेंगे इतना, साइज को बढ़ाएंगे। अब हल्का हल्का से मार देंगे साइडों पे, अब हैंड पे भी मार देंगे, डन करेंगे, ओपेसिटी कम करेंगे कुछ इतना। अब दोबारा और ऐड फोटो को सेट कर लेंगे, अब इस वाले फोटो को सेट कर लेते गए, अब इसको यहाँ पर सेट कर लेने गए। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, अब इसको नीचे अच्छे तरीके से सेट करेंगे, इरेज पे जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे यहाँ पर इरेज पे, हार्डनेस को कम कर कुछ इतना कर लेंगे, साइज को बढ़ाएंगे और अंकल का मारेंगे नीचे, तो गाइस हमने कर लिया। अब इसे यहाँ से डन कर लेना। अब और फोटो का एडजस्ट कर लेंगे, क्रॉप में जाएंगे, इसका साइज को थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, डन कर लेंगे। अब इसको भी यहाँ पर सेट कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, इरेज पे जाएंगे, साइज को बढ़ाएंगे, डन कर लेंगे, ओपेसिटी कम कर लेंगे इसका थोड़ा, कुछ और थोड़ा बढ़ा लेंगे इतना, ठीक है। और इसका भी थोड़ा ओपेसिटी कम करेंगे कुछ इतना कर लेंगे और उसके बाद डन कर लेना। हाँ फिर मार रहे हैं, ऐड फोटो में जाएंगे गाइस। अब इस वाले पीएनजी को दोबारा ऐड कर लेंगे, अब इसको थोड़ा इस साइड पे इस तरह कर लेंगे, अब इसको बड़ा करेंगे गाइस, ब्लेंडिंग में जाएंगे, स्क्रीन कर लेंगे कुछ इतना बड़ा कर लेंगे और उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, अब इसे ब्लर कर लेंगे और इसको थोड़ा इतना कर लेंगे ब्लर को, अब इसको डन कर लेंगे। ब्लेंडिंग में जाएंगे, लाइट करेंगे इसको, स्क्रीन कर लेते गाइस इसको, कुछ इस तरीके से सेट कर लेने गाइस। अब दूसरा वाले को कर लेना चाहिए, अब इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे, स्क्रीन कर लेंगे, अब इसके यहाँ से डन कर लेंगे। तो गाइस हमारे पिक्चर में फोटो बन गया, तो हम जाएंगे ड्रॉ टूल पे और इस पिक को सेव कर लेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज कर लेंगे। तो गाइस सेव इमेज हो गया, अब जाके लाइटरूम खोलते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हम लाइटरूम में आ चुके हैं और पिक को भी ऐड कर लिया, तो हम सिंपल से जाएंगे सोलो टूल पे गाइस, जो ऑटो टूल है इस पर क्लिक करेंगे। अभी सोलो टूल पे जाएंगे लाइटिंग पे, अब इसको थोड़ा एक्सपोज कम करेंगे, 10 पे कर लेंगे और कॉन्ट्रास्ट को इतना कर लेंगे और हाईलाइट को थोड़ा कुछ इतना कर लेंगे और उसके बाद व्हाइटनेस को बढ़ाएंगे कुछ इतना और ब्लैक को थोड़ा कम करेंगे कुछ इतना। अब उसके बाद कलर पे जाएंगे गाइस, मिक्स टूल पे जाएंगे
ही को थोड़ा कम करेंगे। अब ऑरेंज पे आएंगे, इस वाले टूल को यूज़ करेंगे, इसको कुछ इतना यूज़ करना है। अब इस वाले टूल येलो पे आ जाएंगे, अब इसको थोड़ा इतना कर लेंगे। अब ग्रीन पे आएंगे, अब इस वाले टूल को थोड़ा हल्का सा करेंगे कुछ इस तरफ में। अब इस वाले टूल पे आएंगे, ही को थोड़ा इतना कर लेंगे और इस शार्पनेस को भी थोड़ा कर लेंगे कुछ इतना। अब इसके बाद ब्लू पे आएंगे, ब्लू पे थोड़ा इतना एडजस्ट कर लेंगे। अब शार्पनेस को थोड़ा इतना कर लेंगे, तभी हमारे सेल पे जो फायर है ना गाइस वो अच्छे तरीके से दिखेगा। अब इस वाले टूल पे आएंगे, अब इसको थोड़ा कम करेंगे, देख लेना पूरा कम कर लेंगे। अब इसको यहाँ से डन कर लेंगे सिंपल। अब इस पर इस वाले टूल पे जाना गाइस, अब इस कस्टम वाले पे जाना गाइस, इसको थोड़ा चेंज करेंगे और इसको भी टेम्परेचर को थोड़ा इतना कर लेंगे 6 पे। अब इसको डिटेल पे जाएंगे, सॉरी विकनेट पे, विकनेट को थोड़ा हल्का सा करेंगे कुछ इतना। और इसके बाद इनको भी थोड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लेंगे और इसको भी ज़्यादा। अब इसके बाद शार्पनिंग पे जाएंगे, शार्पनिंग पे थोड़ा इतना कर लेंगे इसको। अब इसके बाद नॉइज़ को भी कर लेंगे 50 के आसपास। अब कलर नॉइज़ को भी कर लेंगे 50 के आसपास। अब इसको यहाँ से डन कर लेंगे। अब जाना प्रोफाइल पे, अब अपना फेवरेट वाला चूज़ कर लेंगे। इस वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ पर 04 दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना और इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेंगे कुछ इतना कर लेंगे और उसके बाद डन कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो पहले से कितना अच्छा लग रहा है, एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस ये पिक्सेल में हमने क्रिएट करा था अभी लाइटरूम में, तो देख सकते हो गाइस कितना क्रिएटिव लग रहा है। तो आप सिंपल इसको यहाँ से डन कर लेना, अब इस 3 डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेना गाइस। अब इसको ओके कर लेना। तो चले गाइस, वीडियो हमने बना लिया और फोटो भी एडिट कर दिया। तो आपको सिखाने के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना गाइस और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक मुझे Instagram पर फॉलो नहीं करते, जाके जल्दी से कर लेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।